गूगल ड्राइव के अंदर हमें 15 GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। अगर उसके बाद आप उसमें फोटोज और वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपको उसके लिए अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप घर में ही खुद का गूगल ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर अनलिमिटेड फोटोज और वीडियो स्टोर करके रख सकते हैं। और इस ड्राइव को दोस्तों आप अपने सारे डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट या फिर मोबाइल फोन के साथ एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी डेटा इस ड्राइव के अंदर आप किसी भी डिवाइस से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इस ड्राइव की पूरी सेटिंग के लिए दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखिएगा। तो ड्राइव सेटअप करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक इस तरह का राउटर चाहिए होगा, तो मैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ये यूज कर रहा हूँ। इसका मॉडल नंबर है ZXHNF670L। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आप जो भी राउटर यूज करेंगे उसमें इस तरह का एक USB पोर्ट होना जरूरी है। स्टोरेज के लिए दोस्तों आपको चाहिए होगी ऐसी एक हार्ड ड्राइव, तो मैं WD की माई पासपोर्ट अल्ट्रा ये हार्ड ड्राइव यूज कर रहा हूँ। इसकी कैपेसिटी 1 TB की है। आप यहाँ पे 2 TB या 3 TB की हार्ड ड्राइव भी यूज कर सकते हैं। और राउटर की सेटिंग के लिए आप कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं। अब हम राउटर की सेटिंग करेंगे जो कि बिल्कुल ईजी है, बस ध्यान से आप मेरे स्टेप्स फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को अपने वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लीजिए। वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाने के बाद अपने गूगल क्रोम में आप ये वाला एड्रेस टाइप कीजिए, ये आपके राउटर का होम एड्रेस है। तो आपके सामने इस तरह का एक राउटर का पेज ओपन हो जाएगा। तो मेरा एयरटेल का राउटर है, अगर आप एयरटेल का ही यूज कर रहे हो तो सेम पेज ओपन होगा, अदरवाइज आपका जो राउटर है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे होम पेज ओपन हो जाएगा। यूजर नेम और पासवर्ड आपके जो राउटर है उसके बैक साइड में लिखा होता है, तो आप वहां से देख के यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। मेरे इस केस में एडमिन एयरटेल का यूजर नेम और पासवर्ड होता है डिफॉल्ट, तो मैं यहाँ पे एडमिन डाल के यहाँ पे लॉग इन कर लूंगा। आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको सर्च करना है अपने राउटर में लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क के अंदर आपको FTP सर्च करना है। तो आपके राउटर के अंदर ये डिफरेंट जगह पे ऑप्शन हो सकता है, तो आप इसको सर्च कर लीजिए। अब उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्वर पे जाके ऑन कर देना है और इसकी जो सिक्योरिटी है इसको भी ऑन कर देना है। और यहाँ पे आप अपना कोई भी यूजर नेम चूज कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और ये सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको अपने राउटर के अंदर सिंपली हार्ड ड्राइव को ऐसे कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको चले जाना है होम पे, तो यहाँ पे आपको USB डिवाइसेस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई पासपोर्ट अल्ट्रा यहाँ पे शो हो रही है, उसके बाद ये स्टोरेज डिवाइस है और ये आपको इसका लिंक यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको इस लिंक को आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके दोस्तों इस लिंक को आप यहाँ पे सर्च बार में पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप अपनी हार्ड ड्राइव को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों सारा डेटा मेरे जो हार्ड ड्राइव के अंदर था, तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ सारा डेटा। अब मुझे इस ड्राइव के अंदर अगर कुछ कॉपी पेस्ट करना है तो सिंपली मैं अपने लैपटॉप में से कुछ भी उठा के इसके अंदर पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये देखिए ये फाइल यहाँ पे कॉपी हो गई है। इस ड्राइव को अपने मोबाइल फोन में ओपन करने के लिए दोस्तों मैं यूज करता हूँ फाइल मैनेजर प्लस। तो आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे रिमोट का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एड रिमोट लोकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे FTP सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको सेम एड्रेस पेस्ट कर देना है और उसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के ओके पे क्लिक कर दीजिए। मैंने अपनी ड्राइव यहाँ पे पहले से ही कॉन्फ़िगर कर रखी है माई पासपोर्ट अल्ट्रा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी ड्राइव को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जो ये फोटो हमने लैपटॉप से कॉपी पेस्ट की थी, तो आप इसको अपने मोबाइल फोन के अंदर भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी डेटा अपने मोबाइल फोन का इस ड्राइव में सेव कर सकते हैं और इस ड्राइव से कोई भी डेटा आप कॉपी पेस्ट करके अपने मोबाइल फोन की स्टोरेज में रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप सिंपल से स्टेप फॉलो करके अपने घर में ही गूगल ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा SEO टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।